और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं और टोक्यो के हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री जब होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया। पीएम ने सभी के साथ मुलाकात की, उन्हें टोक्यो में ग्रैंड वेलकम के लिए धन्यवाद भी दिया। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत यहां प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है टोक्यो में। और ये भारतीय समुदाय के लोग हैं जो जापान में बसे हुए हैं, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब उनके नेता यहाँ पर पहुंचे। वर्ल्ड लीडर कहा जाता है पीएम मोदी को, जहां भी जाते हैं लोगों का दिल जीत लेते हैं। और उनकी खास बात यह कि वो जहां भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ उनकी मुलाकात जरूर होती है। और ये जापान की तस्वीर आप देख रहे हैं, आप 6 तस्वीरों के जरिए भी आप देख लीजिए आखिर किस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत जापान में किया गया है। सबसे पहले पीएम मोदी का हनेडा एयरपोर्ट में स्वागत होता है, वहां पर तमाम बड़े जापानीज अधिकारी पहुंचे होते हैं। और ऐसे में उसके बाद फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा उनको घेर लिया जाता है और लोग काफी उत्सुक दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। वो टोक्यो आए हैं, जो काशी सजा आए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो 370 हटाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो राम को लाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो काशी सजा आए हैं वो टोक्यो आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे टोक्यो पहुंचे। और टोक्यो में मोदी जब होटल पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य स्वागत वहां पर मोदी का हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ टोक्यो जापान पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत भारतीय कम्युनिटी ने किया है बहुत ही गर्म जोश से। आप देख रहे हैं इस तरह के पोस्टर्स और बैनर्स भी वो लेकर लगा करके आए हैं, जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। और एक शेर की तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम को लाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो काशी सजाए हैं वो टोक्यो लाए हैं। देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर। देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया। मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री का, आप लोग प्रधानमंत्री की आपसे अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है, उन्होंने हाथ बढ़ाकर सब लोगों से एक्नॉलेज किया है कि आप लोग यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच गए हैं, उनका यहाँ पर प्रेजेंस कितना अहमियत रखता है। और ये भी मुझे समझाएं कि हमने हमेशा देखा है प्रधानमंत्री जिस देश जाते हैं वहाँ के लोगों से ज़रूर मुलाकात करते हैं जो भारतीय मूल के होते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा होता है, वहाँ से एक स्पेशल कनेक्ट क्यों है? जी इसलिए है कि एक तो ये पहली बात जो आज की मीटिंग है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है उसको ख़त्म करने के लिए जो पैसिफिक जो 4 देशों के लोग मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। ये 4 देशों के लिए, इवन पैसिफिक रीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो दूसरी बात आपने कही कि मोदी जी का जो एक मतलब व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि भारतीय अपने आप ही खींचे चले आते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने देश में 10 साल से इतने काम किए हैं कि जो चाहे 370 हो, राम मंदिर हो या 3 तलाक हो, इन्होंने सारे भारतीयों को एक तरह से फिर से एकजुट होने का मौका दिया है। और हम बहुत ही उत्साहित हैं और उनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे महिलाओं से भी बात करती हूँ, महिलाओं से भी बात। जी जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इस तरह से जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे हर पर्सन, मुझे लगता है कि हमारे से हमें दिल से जुड़े हैं मोदी जी। और मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकती मोदी जी को देखकर, जो उन्होंने भारत के लिए किया है या हमारे लिए किया है, तो वो हमसे जुड़े, घर घर से जुड़े हैं। और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि मोदी जी यहाँ आए हैं और हम लोगों से जिस तरह से इंटरेक्ट किया है, उनका इंटरेक्शन है, तो बस मोदी जी है, ये बता सकती हूँ मैं। यस बिकॉज व्हेन मोदी केम, जब मोदी आए तो लगा कि हमें आना चाहिए। पहली बार हम लोग जापान में बहुत सालों से है और पहली बार इतने सवेरे उठ के किसी नेता के लिए आए हैं, और दैट मेक सेंस। और ये फीलिंग दिखाता है कि कितना पसंद करते हैं लोग। और पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ही नहीं, जापान के बच्चे भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जापान के बच्चों को हिंदी में बात करते देख पीएम भी गदगद हो गए। Please.
तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह वाह, और जापानी में क्या लिखा है? ये तीन भाषा लिख दी। और जापान पहुंचे पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। 2014 के बाद वो गर्व की भावना इतनी बढ़ गई है कि हमें गर्व होता है भारतीय कहने पे। मोदी जैसा बोल रहे, मोदी की जय हो, मोदी जी, मोदी आई लव यू मोदी, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी के पास इतनी एनर्जी है, मोदी हमें एनर्जी की अनुभूति हुई है। और सच में ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी एनर्जी के साथ थोड़ा सा भी और देश के प्रति कुछ कर पाएंगे तो हम हिंदुस्तान के उनके सपनों को और अपने सपनों को एक साथ करके भारत को सबसे ऊपर विश्व में एक नंबर वन जरूर तक। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी लोग यहाँ पर मोदी जी के स्वागत के लिए आए हुए हैं। पूरे देश को मोदी जी ने एक सूत्र में प्रो दिया है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर टोक्यो में रह रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमसे मिलने आए हैं, तो उनसे मिलने के बाद हमारे परिवार का एक मेंबर हमसे मिलने आया है, तो उनसे मिलके हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम वापस अपने भारत में आ गए। एक परिवार के सदस्य आए हैं जो राम को लाए हैं, टोक्यो आए हैं। और टोक्यो में भारतीय समुदाय के जोरदार स्वागत से पीएम मोदी गदगद दिखे और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जापान के भारतीय समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी योगदान दिया है, वे भारत में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। मैं जापान में भारतीय मूल के लोगों को गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ जापान में प्रधानमंत्री मोदी का बेहद बिजी शेड्यूल भी है। पीएम मोदी अगले 40 घंटे में 23 मीटिंग करने वाले हैं। क्वाड की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 1-on-1 उनकी बैठक होगी और क्वाड में भारत किन मुद्दों को उठाएगा। न्यूज 18 संवाददाता मारे शकील ने जापान में भारत के राजदूत एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा से बातचीत की। हमारे साथ है एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा और उनसे हम सवाल पूछेंगे क्योंकि क्या क्या प्लान किया है एम्बेसडर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एम्बेसडर, प्रधानमंत्री यहाँ पर 40 घंटों के लिए हैं लेकिन काफ़ी सारी मीटिंग्स प्लान हुई हैं। इंडियन डायस्पोरा के साथ मीटिंग है और इसके अलावा बायलैटरल तो हैं ही लेकिन बिजनेस लीडर्स के साथ भी मीटिंग है। जी नमस्कार। बहुत ही पावर पैक प्रोग्राम जिसको कहते हैं वो है और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी बिजनेस से मिलेंगे और उनसे यह जानना चाहेंगे कि हमें और क्या करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारत में अपना निवेश कर सकें, भारत को अपना एक बेस बना सकें अपने ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। सप्लाई चेन आज बहुत खंडित है, सप्लाई चेन को किस तरह से हम दुरुस्त कर सकें इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण से, प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन से उन्हें भी वो एक अंदर से उत्साह आएगा जिसके कारण वो भारत की तरफ सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के रूप में देख सके। क्या एक्सपेक्टेशंस है जापान के बिजनेसमैन के? मुख्यतः ये चाहते हैं कि भारत एक स्थायी वातावरण दे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए भारत एक स्थायी वातावरण दे मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भारत एक सोर्स ऑफ ब्रेन बने जहाँ पर से न्यू आइडियाज़ आएँ, इंजीनियर्स आएँ, न्यू साइंटिस्ट्स आएँ, न्यू इनोवेटर्स आएँ, इनोवेशन इन प्रोडक्ट, इनोवेशन इन प्रोसेसेस, तो इन सबों को लेकर जापान बहुत उत्साहित है। एम्बेसडर वर्मा, एक मीटिंग इसके ऊपर शायद चाइना की खास की नज़र है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग की, वो मीटिंग 24 तारीख को होगी। जितनी द्विपक्षीय मीटिंग्स हैं, जितनी बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो 24 की हैं और उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, क्या विमर्श होगा उन दोनों के बीच कहना बहुत मुश्किल है। दोनों वैश्विक नेता हैं और जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तभी हम लोगों को पता लगेगा कि उसमें दरअसल क्या विमर्श हुआ और उसके कारण हमें आगे क्या कदम उठाने हैं। जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक बायलैटरल मीटिंग है और उनके साथ कुछ और क्षण व्यतीत करने का भी समय है और उसमें दोनों नेता मिलकर एक तो जो अभी तक का रिश्ता है उसके बारे में जिक्र करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और चूंकि अभी तुरंत
जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा करके आए हैं, दो महीने लगभग हुए हैं, तो अभी बहुत नई चीज़ें तो नहीं आएंगी, लेकिन समीक्षा जरूर होगी और उस समीक्षा के आधार पे हम लोगों को ये कहा जाएगा कि आगे और क्या करने की आवश्यकता है। और वही प्रधानमंत्री मोदी जब टोक्यो पहुंचे उसके बाद किस तरीके से वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। वही जंग के भीषण मार झेलने वाले यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव की अब बात करते हैं, जहां पर खार्किव में जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है। वहां पर कई महीनों बाद बाजार फिर से एक बार खुल गए हैं, जहां काफी दिनों बाद लोगों की चहल पहल नजर आई। हालांकि रूस के बरसाए बमों ने वहां लगने वाली दुकानों को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से दुकानदारों को जमीन पर रखकर ही सामान बेचना पड़ा। Мы все рады, что наконец эта глупость закончится, которая происходит вот. वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि रूस की फौज ने खार्किव को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन यूक्रेन की फौज ने उन्हें वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसके करीब ढाई महीने बाद वहां हालात सुधरे। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में विराट और रोहित शर्मा को मिला रहा।